दोस्तों, चाइनीज स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को टक्कर देने के लिए इंडियन फोन कंपनी लावा ने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाते हुए नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो है लावा Z61 प्रो, जो कि पूरी तरीके से मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है और लो बजट रेंज में लॉन्च किए गए इस स्मार्टफोन की मदद से कंपनी एक बार फिर से यूजर्स के बीच मजबूत जगह बनाने की कोशिश कर रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लावा के आने वाले 10,000 रुपये से कम की रेंज में बेस्ट स्मार्टफोन, जो कि बिल्कुल प्योर मेड इन इंडिया कंपनी है और जो मेड इन इंडिया स्मार्टफोन बनाती है। चलिए बात करते हैं लावा के टॉप स्मार्टफोन जो आते हैं अंडर 10,000 रुपीस। यहाँ पे जो नंबर एक पे आता है वो आता है लावा का Z92। अगर मैं इस स्मार्टफोन की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 6.22 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको MediaTek Helio P22 प्रोसेसर देखने को मिलेगा 8 कोर के स्पीड के साथ, 2 GB का रैम है, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज है। कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको प्राइमरी कैमरा 13 MP का डुअल LED फ्लैश के साथ देखने को मिल जाएगा और 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, 4G सपोर्टेड है। साथ ही बैटरी की बात करें तो 3260 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी भी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ लावा Z92 के प्राइस की तो ये स्मार्टफोन आपको 9,000 रुपये में मिल जाएगा। बात करें नेक्स्ट स्मार्टफोन की, वहाँ पे आ जाता है लावा का Z19। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 5.2 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, MediaTek MT6737M का चिपसेट होगा, 1.3 GHz की क्वाड कोर स्पीड होगी, 3 GB का रैम होगा और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज होगा। कैमरे की बात करें तो 8 MP का प्राइमरी कैमरा LED फ्लैश के साथ और 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो 2750 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 4G वाईफाई ब्लूटूथ सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी को लेकर तो इसमें आपको बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। प्राइस की बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको 8,999 रुपये में मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की, वहाँ पे आ जाता है लावा का Z80। अगर हम इस स्मार्टफोन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो MediaTek MT6737 का चिपसेट होगा 1.3 GHz की स्पीड के साथ, 3 GB का रैम और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज है। कैमरे की बात करें तो 8 MP का प्राइमरी कैमरा LED फ्लैश के साथ और 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो 2500 mAh की बैटरी है, जो कि रिमूवेबल बैटरी है, मतलब बैटरी को आप निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर तो इसमें भी आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। 4G फोन है और अगर हम इसकी बात करते हैं प्राइस को लेकर तो ये स्मार्टफोन आपको 8,999 रुपये में मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की, वहाँ पे आ जाता है लावा का Z61। तो यहाँ पे आपको 5.45 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको MediaTek MT6739 का चिपसेट देखने को मिलेगा 1.5 GHz का क्वाड कोर स्पीड के साथ, 1 GB का रैम है और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है। कैमरे की बात करें तो 8 MP का प्राइमरी कैमरा LED फ्लैश के साथ और 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इसके अंदर आपको फेस अनलॉक का फीचर मिल जाता है। बात करें बैटरी की तो 3000 mAh की फास्ट चार्जिंग बैटरी है, जो कि रिमूवेबल है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करता हूँ तो ये आता है 6,999 रुपये में। बात करते हैं हम लास्ट फोन की, तो जो मैंने कल वीडियो डाली थी लावा Z61 प्रो की, जो कि कल ही लॉन्च हुआ है, वो आता है 5वें नंबर पर। तो आप अगर देखना चाहते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन तो आप उस वीडियो पर जाके देख सकते हैं। तो ये है वो 5 स्मार्टफोन जो आते हैं लावा के 10,000 रुपये से कम की रेंज में आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन।